हेलो इंडिया, मुक्ताली योग ऑनलाइन रेसिपीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप शाम की चाय में खाने के लिए कुछ नया और हटके बनाना चाहते हैं तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई रेसिपी, जिसे आपको बनाने में तो मज़ा आएगा, साथ ही खाने में बहुत मज़ा आएगा। घर में बच्चे हो या बड़े, सभी को पसंद आए ऐसी रेसिपी है ये। जब आप इसे बनाएंगे तो आप खुद जान जाएंगे। तो एक बार इस मज़ेदार रेसिपी को ट्राई जरूर करिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। नए नए मज़ेदार रेसिपी को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद आता है बेल आइकन, उसे भी प्रेस जरूर करिएगा। उसके बाद आता है एक ऑल का नोटिफिकेशन, उसे भी ऑन जरूर कर लीजिएगा। एक बाउल में लेंगे हैं 1 कप गेहूं का आटा, और इसमें डालेंगे 1/2 कप बेसन, 1/2 छोटा चम्मच इसमें नमक डाल देंगे, और 1 छोटा चम्मच यहाँ पर डाल देंगे अजवाइन को, हाथ से अच्छे से रगड़ कर डाल देंगे। और अब इसमें डाल देंगे 3 टेबल स्पून तेल मोयन के लिए। अब एक बार सारे मिश्रण को अच्छे से मिला देंगे। आप गेहूं के आटे के बदले यहाँ पर मैदा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना 1 सख्ता आटा इसका लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने आटा गूंद लिया है, और यहाँ पर लिया है 3 उबले हुए आलू, इसे मैश कर लेंगे और एक बाउल में निकाल लेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 कटा हुआ प्याज और 1 शिमला मिर्च को बारीक काट कर डाल देंगे। 1 चम्मच यहाँ पर हम कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे, और 1 चम्मच यहाँ पर डाल देंगे अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट, और साथ ही डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच काला नमक और 1 चम्मच सादा नमक, और डाल देंगे यहाँ पर 1 चम्मच जीरा और 1 छोटा चम्मच यहाँ पर सौंफ डाल देंगे। और अब डाल देंगे इसमें कम से कम 2.5 चम्मच मैगी मसाला या फिर पाव भाजी का मसाला, इसके बदले आप गरम मसाला पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं, और थोड़ा धनिया पत्ती डालकर अच्छे से सबको मिला लेंगे और मैश कर लेंगे। तो जो मिश्रण है ना आलू का, वो बनकर तैयार हो गया है। अब जो आटा हमने गूंधा था ना, उसे हमने 3 हिस्सों में बांट लिया है। अब एक चकले पे 1 हिस्से को रखेंगे। अब यहाँ पर इसे बेल लेंगे। तो बिल्कुल रोटी के साइज का इसको बेला है हमने, और थोड़ा बड़े साइज में बेला है। अब आलू के मसाले को बीच में रख लेंगे, लंबाई में रखेंगे, और इसे किनारे से दबाते हुए रोल कर लेंगे। रोटी को बेलते समय आटा लगाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अगर आपसे अगर बेल ना रहा हो तो आप इसमें आटा लगा सकते हैं। अब इसको अच्छे से रोल करके किनारे को बंद कर देंगे। यहाँ पर तीनों रोल को बनाकर तैयार कर लिया है। अब इसे कट करेंगे। अब 1.5 इंच मोटाई में हमने इसे काट लिया है। अब एक रोल को उठाएंगे और इसे गोल गोल टिक्की के जैसा बना लेंगे। आप इस प्रकार से बना सकते हैं, और अगर ऐसे नहीं बनाना चाहते तो आप इसे लंबाई में भी रोल कर सकते हैं, ओवल आकार में। तो यहाँ पर मैं गोल गोल नहीं बना रही हूँ, बल्कि इसे ओवल आकार में बनाऊंगी, क्योंकि ये देखने में भी सुंदर लगता है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। तो सभी को ओवल आकार में बना लिया है और इस प्लेट में रख लिया है। तो 3 रोल से आप देख सकते हैं कितने सारे यहाँ पर बन चुके हैं। ये नाश्ता बहुत टेस्टी लगता है, आप चाय के साथ इसको बना सकते हैं, और आप इसे आराम से 2 दिन तक खा सकते हैं। बहुत ही अच्छा बनता है ये, और क्रिस्पी भी रहता है। अब इसे हम डीप फ्राई नहीं करेंगे, शैलो फ्राई करेंगे। तो एक तवे में मैंने थोड़ा सा तेल ले लिया है, और जब तेल गर्म हो जाएगा ना, तो गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसे इसमें डाल देंगे। तो एक बार में जितना आ सकता उतना ही डालेंगे, और मीडियम फ्लेम में इसे हमें फ्राई करना है ताकि अच्छे से सीख जाए। जब नीचे से लाल हो जाएगा तो इसको पलट देंगे, और दोनों तरफ से इसे सुनहरा लाल होने तक सेक लेंगे। तो आप देख सकते हैं इसे कम तेल में हमने स्लो फ्राई किया है, और बहुत अच्छे से ये कुरकुरा क्रिस्प हो चुका है। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो सुबह और शाम की चाय के लिए बहुत ही बढ़िया नाश्ता है, आप इसे बना सकते हैं, और आराम से आप इसे 2 दिन तक रख सकते हैं। ये टेस्टी तो लगता ही, साथ ही क्रिस्पी भी रहता है, और घर में जो सामान है उसी से हमने इसे बनाया है। जब भी आपको समोसा कचौड़ी खाने का मन करे और बनाने के लिए समय ना होना, तो आप 10 मिनट में इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं, और इसके आगे तो समोसा कचौड़ी भी फैल है। जिसे भी खिलाएंगे वो आपकी तारीफ जरूर करेगा। देखने में जितनी सुंदर है, खाने में भी उतनी ही मज़ेदार है। एक बार ट्राई जरूर करिएगा। आपको ये रेसिपी अगर अच्छी लगी ना, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार की नई नई रेसिपी के साथ एक नए वीडियो में फिर से मिलूंगी मैं आपको। तब तक के लिए बाय।